Know that they ride or die. I keep boys by my side. Know that they ride or die. I keep boys by my side. Hello and welcome to our new vlog, guys. हम निकल चुके हैं और कहाँ जा रहे हैं हम? मेरे ससुराल. Yeah, so ऐसे we are going for holy celebration. और हमारी शादी के बाद this is the first festival जो हम celebrate करने जा रहे हैं होली. And चाहते से वो मेरे घर पे होती, but like मेरे home town रांची में. Due to some reasons हम वहाँ जा नहीं पाए, so we are going to Delhi. वो भी मेरा घर ही है ना? इसका विदाई वहीं से हुआ. हाँ, so अभी मेरे मम्मी पापा है ना, अभिषेक के मम्मी पापा knows that we are going. और मेरे जो दिल्ली वाले कजिन्स हैं, उन्हें मालूम था कि हम कल आ रहे हैं, but कुछ हुआ, like we are going today and we are just going to surprise them. So we'll capture the reaction also. Stay tuned. और बस मिलते हैं थोड़ी देर बाद. And आपको साथ लेके चलेंगे. ओके देन. सामान पैक कर लीजिए. सीएनजी नहीं मिल रही है? नहीं, ट्रैफिक सिग्नल. अब उसके बाद जाएंगे सीएनजी भरवाएंगे. सीएनजी पेट्रोल दोनों ले सुनो और सिटी से ही चलते हैं. ठीक है. ओके. घर पे मिलते हैं उनको सरप्राइज करके. मास्क ऊपर कर ले. मास्क अभी मैं और अभिषेक यही डिस्कस कर रहे थे तक कि हमारी जितनी भी वीडियोस हैं उनमें अभिषेक का सेम मास्क है. तो वी नो कि वो मास्क सेम क्यों है, बट आप ये मत सोचना कि अभिषेक के पास एक ही मास्क है ना. वही सोच रहे अभिषेक है तुम्हें. आई थिंक 4 to 5 अंडरस्टैंड की इतना दिक्कत होता है ना मास्क में. और यही एक होता मास्क है जिससे भाप नहीं आता है. हाँ, उसके चश्मे में ऐसा वेपर नहीं होता है, नहीं तो उसे यहाँ वाइपर लगाना पड़ेगा. बहुत दिक्कत आता है मास्क तो. उसने यूनिवर्सिटी से इतने सारे सेम मास्क खरीद लिए और हर बार वही पहनता है, तो प्लीज आप कंफ्यूज मत होइएगा. मतलब कलर चेंज नहीं है, एवरी मास्क इज सेम बट अलग अलग मास्क. इफ यू गाइस वांट हम घर जाके आपको सारे मास्क दिखा देंगे. ठीक है. ओके. क्या यू नो कि होली का कलर किससे बनता है? चीड़ के पत्ते से. चीड़ नहीं, दिस. अबे वो बीड़ी ही बनती है. दिस इज पलाश का फूल. okay. और इससे ही होली का कलर बनता है. तो मैं अगर इसको ऐसे करके ऐसे लगाऊं तो? नहीं, उसे लगाने नहीं, फर्मेंट करना पड़ता है. तो शांत क्यों बैठे? अरे सेविंग माय एनर्जी. अभिषेक को भूख लगी, हमने ऑर्डर कर दिया है. एक्चुअली बहुत भूख लग रही है. करो ना.
अच्छा आई एम गोना ईट माय स्नैक टुडे माय स्नैक है क्यों दिखाया अभी फूड फाइनली टू सैलून और जल्दी करा लेते हैं पार्लर डन एंड नाउ गोइंग टू ईट सम पानी पूरी हैं घर चल रहे हैं हो गया बहुत खाना ओके हाँ सारा सामान ले लिया होली का मिठाई वगैरह ले ली आर यू एक्साइटेड ये व्यू गाइस आपको पहचान में आ रहा है बहुत ही फैमिलियर है बहुत ही फैमिलियर लास्ट वीडियो में भी देख चुका है वी आर वेरी टायर्ड मैन रोड ट्रिप इज नेवर इजी बट बहुत मजा आता है या वो तो है उसका अलग चार्म है I don't think वो लोग जल्दी ओपन करेंगे What's up, bitches? नीचे शाशी के लिए वो इनको पहचाना आपने हैप्पी होली भाई सरप्राइज यो अबे पूरा सरप्राइज का मांगा लोगे कहाँ बाकी लोग पार्टी है स्टार्टेड ठीक है यहाँ सब सब एलियन उनके घूम रहे एंड आज आज तो मथुरा वाली फीलिंग लेके ही रहेंगे हम लोग चाहे कुछ भी हो जाए और बहुत बहुत ज़्यादा डर लग रहा है मुझे कभी भी ओके गाइस मिलता हूँ मैं थोड़ी देर चश्मा भैया
Your aim is so bad. Your aim is so bad, na. और कितना bad है? Happy Holi, everyone. Look at you. Look at Holi हो गई है, पूरा नहा धो के फ्रेश हो गया, बट ऐसी नींद आ रही है ना. And नहीं है आपके घर पे हम बहुत मस्ती कर रहे हैं दिखाने एक बार अभी अड्डा अड्डा सही बात है बहुत नहीं नहीं बड़ा कोई भी बोली लगाना चाह रहा हूँ गिव मी कंटेंट सुबह से मैं कुछ ठीक लगा रहा हूँ नहीं पता और ये हमारी बहन अपने मायके से सारा सॉफ्ट टॉयज लेके जाते हुए चलो बाय ठीक है बाय 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 हैव फन हेलो गाइस सो हम निकल चुके हैं होली सेलिब्रेट हो गई हमारी एंड आज थोड़ा लेट निकले तो होप हम 8:30 तक जयपुर पहुंच जाएं एंड कल से बैक टू वर्क सो अच्छा तो नहीं लग रहा है बहुत मज़ा आ रहा था है ना बट जाना तो पड़ेगा ऐसे फिर नेक्स्ट मंथ आना है बिकॉज वी आर गोइंग टू वैष्णो देवी नेक्स्ट मंथ तो वहाँ दिल्ली जाएंगे मम्मी पापा लोग भी आ रहे हैं एंड हाँ एक और चीज़ कि हमारे वो जो भोपाल टू जयपुर रिटर्निंग रोड ट्रिप वाला व्लॉग है वो डल नहीं पाया बिकॉज उसमें थोड़ी कुछ क्लिप्स हमें मिसिंग हो गई थी और हम लैपटॉप कैरी नहीं कर पाए होली के टाइम पे तो हो सकता है हम पहले ये होली व्लॉग डाल देंगे एंड देन अगर आप हमारी ये वीडियो देख रहे हैं तो इसके बाद कंटिन्यूएशन पे हमारी भोपाल वाली वीडियो कम्प्लीट हो जाएगी मतलब भोपाल से जो जयपुर आ रहे थे गाड़ी या सो सॉरी उसके लिए थोड़ा सा मिसमैनेजमेंट हो गया बिकॉज बहुत सारा वर्कलोड एक साथ ही आ गया था इसीलिए होप आप लोग समझेंगे इस चीज को एंड बस मिलते हैं थोड़ी देर में ओके अच्छा इस बार मेरे साथ मेरे ऑटो इस भी आ रहे हैं सी तो 3 घंटे हो चुके हैं एग्जैक्ट 3 घंटे हो चुके हैं और अभी ऐसी एक छोटा सा ब्रेक लेने आए थे मैं ओवरशा वी आर एट नीमराना एंड होटल हाईवे किंग और भाई साहब
पैर दुख रहे हैं मेरे आज, पता नहीं क्यों, काफ़ी एक्सेलेटर में बहुत 3 घंटे से पैर उठा के रखे थे ना इसलिए। तो मैं लूँगा कुछ, मैंने सब वैसे ही लिया था जब मैं ओके तो ना रिफ्रेशमेंट इज ओवर, गए थे 15 मिनट का ब्रेक लेने, हो गया 45 मिनट का ब्रेक। हाईवे किंग में यही दिक्कत है, अगर आप सोच रहे हो कि 15 मिनट का ब्रेक लेके चले जाओगे तो इट्स नॉट पॉसिबल, एंड आई होप कॉपीराइट ना लगे। ओ बंद हो गया हालत डाउन है अभी मेरी, हमें 5.5 घंटे में पहुंचना था बट हम 7 घंटे में पहुंचे, 1 से 1.5 घंटे लेट है क्योंकि 1.5 घंटे का हमने ब्रेक लिया था और 1 घंटे ट्रैफिक में फंस गए। एग्जैक्ट नो, अच्छा जी, हाँ जी, आर यू श्योर मैडम अपन ट्रैफिक में फंसे? ऑफ कोर्स, फिर कहाँ कहीं गए थे क्या तुम? मैं तो ट्रैफिक में फंसी थी। ओके बाय गाइस, सी यू ऑन द नेक्स्ट व्लॉग, बाय।